कलम में थे झाड़ू लगाते, श्री कृष्ण पवन से कुछ फूल ला कर पूजा पे बैठे गुरु को थमाते, सोचे हैं कदम सुदामा जी मन में हमसे अधिक काम गुरु जी कराते, शर्तिया कह तू ड्यूटी बदल दीजिए, देखो फिर कैसे मोहन है कप्ता लड़ाते। शर्तिया कह तो ड्यूटी बदल दीजिए, देखो फिर कैसे मोहन है कप्ता लड़ाते। बाबूजी गौर करेंगे, संदीपन गुरु के आश्रम में कृष्ण और सुदामा दोनों लोग शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं। दोनों लोगों की ड्यूटी अलग अलग निर्धारित है। भगवान कृष्ण की ड्यूटी है फुलवारी से फूल तोड़ के ला करके गुरु जी के पूजा पाठ के व्यवस्था के, और सुदामा के ड्यूटी बा गुरु के आश्रम के साफ सफाई झाड़ू पोछा करे के। करू किस ढंग से बातें सुदामा सोच ना पाए, और इसी गुस्से में उलझे थे तभी गुरुवर टपक आए। गुरु जी का आगमन हो गया, सुदामा देख रहे हैं, भैया एक लाइन गीत लगी मास्टर। Hey!
मुझे कम मिला है सुदामा गुरुजी से अपनी बात बता रहे हैं कि गुरुजी ड्यूटी बदल दीजिए। गुरुजी करत का है भैया गीत बदल गए। बदल दिए। अब इधर श्री कृष्ण सोच रहे हैं कि ड्यूटी अचानक क्यों बदल दी गई, कारण का बा विदेशिया में कहना है मास्टर। हर मोहन को पाता सुशीला नामक एक ब्राह्मण की कन्या जिसके घर पे जाते थे और भोर में चाय समोसा नाश्ता कटत बा। इधर भगवान श्री कृष्ण जो है मोहन के पीछे पीछे चल दिए और वही खिड़की से देखत हैं कि सुदामा के चाय नाश्ता कटत बा। आवाज देते हैं गीत बदली के मास्टर। साढ़े तीन बजे रतिया
सासे चहिया हो चला बच्चू भरना मोहन के देखा तहन तो सुदामा बड़े सासत में कि अरे बाप रे बाप आज तो पूरी पोल पट्टी खुल जाई। लेकिन ये भैया कभी को टेढ़ी का भाव देना पड़ा। अरे मोरे राम अरे सुदामा दाते तावे ये मुरी अरे सुदामा दाते तावे ये मुरी अरे मोहन जरूर करी है खड़ा आज हंगामा अरे हंगामा मोहन जरूर करी है खड़ा आज हंगामा सुदामा दाते तावे ये मुरी। सुदामा बड़े चक्कर में पड़ गए। चौक में कहना है भैया के पिताजी सोच रहे हैं कि मेरी बेटी शादी योग्य हो गई है, इसका कहीं सुंदर वर खोजना चाहिए। सुशीला के पिता जाके गुरु संदीपन से बोले सुता की शादी करवा दे इनका माजरा है खोले। हैसियत पे सुदामा के कौन करेगा शादी पर एक चेला के नाते गुरु की इच्छा जागी। आश्रम के बड़े भाई कृष्ण कुमार यादव लेखपाल साहब की तरफ से 101 रुपए का आशीर्वाद सम्मान। बड़े भाई को बहुत बहुत प्रणाम है। कैरा जी की धरती से हैं। भैया को बहुत बहुत प्रणाम है। आशीर्वाद की कामना है। सरपंच से प्रणाम पहली बार। चौधरी नगर मास्टर
की तरफ से आप लड़का के पिताजी राज नारायण यादव इस पिताजी की तरफ से 501 रुपए का सम्मान आशीर्वाद पिताजी को बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। सरपंच से प्रणाम पहलवा सुदामा की शादी हो जाती है, लेकिन बड़ी गरीबी बा, गरीबी इतना बा कि बच्चों को रोटी समय से नसीब नहीं हो रही है। बाबू गरीबी में जीवन बीततवा सुदामा के धर्मपत्नी सुशीला एक दिन सुदामा से कहतवा कि तनिका आप भगवान कृष्ण आपके बचपन के मित्र हैं, राजा महाराजा हैं, आप समाज के सम्मानित भूषण यादव घनश्यामपुर की सरजमी से कुशहा घनश्यामपुर आपकी तरफ से 101 रुपए का सम्मान आशीर्वाद भैया तो बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। ए बाबू धर्मपत्नी समझा रही है गरीबी हालत में, यही बता रही है कि आपके बचपन के मित्र श्री कृष्ण हैं जो राजा महाराजा हैं, तनिका जाता तो कह जाने कुछ आशीर्वाद मिल जाए, हमारे सबके जिंदगी में सुधार आई जात। लेकिन बाबू सुदामा की हिम्मत नहीं पड़ रही है, गरीबी इतना बा सुदामा शर्म के मारे सोच रहे हैं कि ये मालिक मेरे पास तो कुछ नहीं है, मैं अपने मित्र के पास जाऊंगा तो क्या लेके जाऊंगा। सोचे तो सुदामा उनकी धर्म पत्नी करत का बा एक लाइन गीत लगी भैया माई बहन के बड़ी प्यारी गीत बा अरे निमिया
बाबूजी सुदामा पहुंच गए द्वारिकाधीश के दरवाजे पे, देख रहे हैं वहां की शोभा देख रहे हैं। अरे बाप रे बाप, कृष्ण तो इतने राजा महाराजा हो गए हैं, मैं सावा की पोटरी बना के लाया हूँ, ये तो बड़े शर्म की बात है। पता नहीं स्वीकार करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे। ए बाबू, चार कदम आगे जाए कि फिर चार कदम पीछे हो जाते हैं सुदामा, पापट के भाव में कहना है। अरे महके जहां लट्टू गरम सोहारी महल अटारी में, और सावाया फिर के तमाशा बधारी महल अटारी में। बाबूजी गौर करेंगे, जैसे ही सूचना भगवान कृष्ण को मिलती है कि आपके बचपन के मित्र कोई सुदामा नाम बता रहा है, पागलों की तरह दिख रहा है, फटी पुरानी धोती है, हमें नहीं लगता आपका मित्र है प्रभु। लेकिन द्वारपाल जब इतनी बात भगवान कृष्ण से कह दुआ बाबू, कृष्ण जो है अपने सिंहासन से कूद पड़ते हैं, यहाँ तक कि राज मुकुट का भी ख्याल नहीं किए, नंगे पांव दौड़ते हुए आए और छाती से लगा लिए। अरे खबर पाए मोहन आए, छाती से लिए लगाई हो, और इधर सुदामा काख के नीचे गठरी रहे छिपाई हो। अरे चालू समझ खींचे गठरी बनवारी महल अटारी में, गौर करेंगे बाबूजी, सुदामा को ले जाते हैं सिंहासन पे बैठाते हैं, यहाँ तक उनका पाँव भी धोते हैं अपने हाथ से, और वो गठरी निकालते हैं कान से कि सुदामा इस बचपन के आदत ना छोड़ा अभी तक। करत का है भैया आल्हा के लाइन में भावा। सम्मानित पिता तुल्य दुल्हा के बड़े पिताजी राम और यादव, कैरा जी की सर्जनी से बाबूजी की तरफ से 251 रुपए का आशीर्वाद मिला है। बाबूजी को बहुत बहुत प्रणाम है, आशीर्वाद की कामना है। अरे हंसी के कन्हैया खाए सुदामा के नाम मालूम करो न भेटा आपा।
सुदामा रात में बड़ी कल्पना करते हैं कि यहाँ तो आए हैं, बहुत अच्छी दीदारी मिलेगी, बड़ा सुंदर उपहार मिलेगा। लेकिन विदाई करते समय सुदामा को कुछ नहीं मिला। सुदामा दांते तले उंगली दबा करके अपने घर की तरफ चल दिया। और जाए कि जब घर के करीब पहुंचे थे बाबू, तो राज महल नजर आवत हुआ। बारे मालिक की कृपा, ए बाबू, एक दोस्त के प्रति कितना वफादार और कितना सुख दुख में शरीक होने का काम भगवान कृष्ण ने किया कि दो लोक दे दिए सुदामा को। सदर के भाव में कहना है, धर्मपत्नी सुशीला आकर के सुदामा का हाथ पकड़ के कहती है, इस भगवान कृष्ण के कृपा बा, आज जो इतना हम सब तरक्की कहे सब उनकर माया बा। ले जाके राजमहल में प्रवेश कराती है बाबू। खड़ी के भाव में कहना है, यज्ञ करीबे कहे थे दोनों पड़ गए देश में घूरा, और कुछ दिन बीते मरी गए दोनों रही गए काम अधूरा, और पूरा कहीं तू सपना सुदामा बचवा। आखो ऋषि मुनि वहां पर भी से खड़े कन्हाई, गुरु की बात सुदामा यज्ञ रचाई, और छाए लाली सपना सुदामा बचवा। गुरु बिहारी गुरु रमन की हरी भरी फुलवारी, स्वर गए गुरु तलाल भोला के परम पुजारी, सुदामा दाते दावे मुरी, अरे मोहन जरूर कहीं है खाया ढंगामा, सुदामा दाते दावे मुरी, यादव कल सुधर के जय भोला भंडारी, सुदामा दाते दावे मुरी। भैया 2 मिनट रेस्ट, उसके बाद फिर कार्यक्रम चलता रहेगा।